हेलो एवरीवन, मेरी चैनल गुजराती किचन क्वीन में आप सबका स्वागत है। आज मैं गुजरात की बहुत ही फेमस डिश सैंडविच ढोकला बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले बनाएंगे ग्रीन चटनी। चटनी को बनाने के लिए लिया है बहुत सारा फ्रेश धनिया, थोड़ा सा फुदीना, एक टुकड़ा अदरक का, दो तीखी वाली हरी मिर्च, शिमला मिर्च, 8 से 10 कली कड़ी पत्ता, हाफ लेमन, 2 टेबलस्पून रोस्टेड चना दाल, जीरा एंड सॉल्ट। मिक्सिंग जार में डालेंगे रोस्टेड चना दाल, एक कटी हुई शिमला मिर्च, दो हरी मिर्च को काट के डालेंगे और अब ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। अदरक के टुकड़े को भी बारीक कट करके ऐड करेंगे। थोड़ा सा फुदीना और बहुत सारा फ्रेश धनिया ऐड करेंगे। और अब ऐड करेंगे जीरा और सॉल्ट और आधा नींबू का रस। चटनी को अच्छे से ग्रेट करने के लिए इसमें ऐड करेंगे आधे कप के जितना पानी। सैंडविच ढोकला का मेन इंग्रेडिएंट्स ग्रीन चटनी तैयार है। तैयार की हुई ग्रीन चटनी में से पहले मैंने थोड़ी चटनी निकाल के साइड में रख दी और अब ढोकला की ग्रीन लेयर बनाने के लिए चटनी में थोड़ा सा बैटर ऐड करके इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। चटनी में बैटर ऐड करने के बाद भी इसका कलर ग्रीन ही है तो हमें ऐसा ही लेयर तैयार करना है। ढोकला बनाने के लिए मैंने रेडीमेड बैटर लिया है, इडली और डोसा का जो बैटर रहता है उसी से हम ढोकला बनाएंगे। बैटर में मैंने ऐड किया 1 चम्मच जितना ऑयल, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा पानी और बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। इसको फेंटने से ढोकला एकदम फ्लफी बनेगा। बैटर को थोड़ा सा फेंटने से इसमें एयर बबल्स क्रिएट होते हैं और ढोकला एकदम स्पॉन्सी और जालीदार बनकर के तैयार होता है। अब एक प्लेट को हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि ढोकला नीचे से चिपकेगा नहीं और अच्छे से बाहर निकल के आएगा। प्लेट में थोड़ा सा बैटर ऐड करेंगे। हमें इसकी पतली सी ही लेयर तैयार करनी है तो इसमें ज़्यादा बैटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पहले थोड़ा बैटर ऐड करके इसे चारों तरफ से पूरा फैला लेंगे। एक स्टीमर में मैंने पहले से ही पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, उसमें एक स्टैंड रख के अब उसमें हमारी ढोकला की थाली को हम 5 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। पाँच मिनट हो चुका है तो अब ढोकला को चेक कर लेंगे। हाथों से ही चेक करेंगे तो ये थोड़ा सा पक चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी को ऐड करके इसे चारों तरफ से फैला लेंगे ताकि ढोकला की एक पतली सी ग्रीन कलर की लेयर तैयार होगी और ढोकला दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। बाहर मार्केट में मिलने वाला रेडीमेड बैटर पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ रहता है तो उसमें हमें कोई भी इनो या सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही हमारा ढोकला अच्छा बन करके तैयार होगा बिना सोडा या बिना इनो डाले ही। तो चटनी को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, अब इसे 2 मिनट तक पका लेंगे। घर में छोटे बड़े सबको पसंद आने वाली मेरी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत पसंद आएगी। 2 मिनट के बाद इसमें थोड़ा सा बैटर ऐड करके इसकी तीसरी लेयर तैयार करेंगे। बैटर डाल के इसे भी चारों तरफ से फैला लेंगे। और इसे भी अब हम 10 मिनट तक स्टीम करेंगे तो टोटल ढोकला बनाने में हमें 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा। 10 मिनट के बाद चेक करेंगे कि ढोकला अच्छे से पका है कि नहीं। तो अब इसमें एक चाकू डाल के देखेंगे तो देखिए चाकू क्लीन निकला है, मतलब ढोकला अच्छे से पक चुका है।
अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रख देंगे। तो यहाँ पे ढोकला ठंडा हो चुका है, तो मैंने इसे स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। ढोकला को और भी टेस्टी बनाने के लिए उसमें ऐड करेंगे तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड किया है, 1/2 चम्मच के जितना राई यानी कि सरसों के दाने। जब राई अच्छे से चिटक जाएगी तो उसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। तड़का तैयार हो चुका है, अब इसे हम ढोकला में ऐड करके उसे चारों तरफ से फैला लेंगे और ऊपर से डालेंगे बहुत सारा फ्रेश धनिया। तो हमारा सैंडविच ढोकला तैयार है, अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा सैंडविच ढोकला दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा सा ग्रीन कलर आया है। तो बिना किसी सोडा या इनो ऐड किए हुए तैयार है हमारा सैंडविच ढोकला, एकदम स्पॉन्जी और फ्लफी। देखिए मैं आपको हाथों में लेके दिखा रही हूँ तोड़ के, कितना अच्छा सॉफ्ट ढोकला बन करके तैयार हुआ है। मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।